सभापति महोदय, मैं अपने नौजवान साथी निशिकांत जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विधेयक को इस सदन में प्रस्तुत किया है जिस पर हम विचार कर रहे हैं। देश के लाखों लोग जो लोकसभा टीवी को देखते रहते हैं, संसद की कार्रवाई को देखते रहते हैं, वे लोग इस बहस को सुन रहे होंगे। हिंदुस्तान के अंदर शुरू से हम लोग कहते रहे, गांव, गरीब, मजदूर, किसान मिल के बनाया हिंदुस्तान। तो जो गांव, गरीब, मजदूर, किसान है, उसमें मजदूर के लिए सोचते हैं, चाहे वह संगठित मजदूर हो चाहे असंगठित मजदूर हो, उनके बारे में चर्चा चलती है। लेकिन हिंदुस्तान का जो किसान है, आखिर वह किसान भी तो जीवन भर, जीवन के अंतिम क्षण तक खेत में लगा रहता है, कोई ना कोई काम करते रहता है, खेती के उत्पादन में लगा रहता है, पशु के पालन में लगा रहता है, और किस तरह की जिंदगी जीता है वो वही जानता होगा जो उस किसान के घर में जन्म लिया होगा या गांव में रहा होगा। का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया, माए जाके पैर न फटे बेवाई, वो का जाने पीर पर आई। जिसके पैर में बीमारी नहीं फटती है वो उसके दर्द को क्या जानेगा। एक है गरीबी में जन्म लेना, गरीबी में पलना, गरीबी में बढ़ना, गरीबी में जमानी जाती है और गरीबी में ही वो इस दुनिया से चला जाता है। वो उसका जन्म से लेके मरण तक, यहाँ तक कि माँ के पेट में भी आता है, तब भी वह निर्धनता के ही कोख में पनता है। जिसके जिस माँ को भरपेट भोजन न मिले, पूरा दाल न मिले, दुनिया भर के लोग कहते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं, विटामिन की बात करते हैं, इसी लोकसभा में बोलते हुए डॉक्टर लोहिया ने सदन में कहा था कि हिंदुस्तान की करोड़ों माताएं हैं जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता, दाल नहीं मिलती, इसके कारण उनके स्तन में भरपूर दूध नहीं होता और वो अपने बच्चे को गोद में पूरा दूध नहीं पिला पाती है। एक वह हिंदुस्तान है, तो जो दो तरह का हिंदुस्तान बनाया गया, एक देश में दो, एक है इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत, एक है हिंदुस्तान गांव वाला, एक है दिल्ली वाला हिंदुस्तान, बोट क्लब वाला हिंदुस्तान, और एक है हमारे और आपके गांव के चौपाल वाला हिंदुस्तान। चौधरी चरण सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो उनके पास एक दिन मैं बैठा था, उन्होंने कहा, हुकुम बहादुर, मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं लेकिन 24 घंटा में एक बार दो बार मुझे अपनी जिंदगी याद पड़ती है, जब मैं बचपन में था, जवानी में था, वही फूस का छप्पर, मिट्टी की कच्ची दीवार, आगे में कच्चा कुआं, उसी में से जानवर पानी पीते थे, उसी कुआं का मैं पानी पीता था, आधे घर में जानवर, आधे घर में टूटी खाद पर मैं लेटता था, एक पुरानी साइकिल थी, उस साइकिल से मैं किसी तरह हाई स्कूल तक पढ़ने के लिए चला जाता था। इसलिए मैं उस बात को कह रहा हूं कि चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपनी गरीबी, निर्धनता, बेबसी, बचपन, जवानी के दिन याद आते थे और तब वो सोचते थे कि जब कभी मौका लगेगा तो मैं उन गांव वालों के लिए सोचूंगा, उन किसान के लिए करूंगा, उस गरीब के लिए करूंगा। उसी तरह संजोग है कि आज भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं।
देश के अंदर इस बात का बहुत प्रचार हुआ, कई तरह से प्रचार हुए, विपक्षी ने किया, हमने भी किया। और यह देश के अंदर में गांव के जो गरीब लोग थे उनके मन में यह बात गई कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए जिस आदमी का निर्वाचन करना है वो भी वही गरीबी की कहानी उनके मन में भी होगी जो चौधरी चरण सिंह अपनी गरीबी की कहानी कहा करते थे। तो आखिर कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हुकुम दे दीजिए, एक मिनट बैठे, थोड़ा आपको ध्यान चाह रहा हूं। I am to inform the honorable members that 2 hours have already been taken on the bill, thus almost exhausting the time allotted for its discussion. As there are 3 more members to take part in the discussion on the bill, the House has to extend time for further discussion of the bill. Is it the pleasure of the House that time for discussion of the bill be extended by 1 hour? Yes. Sahmat hain? Yes. Okay, extended. मैं कह रहा था उसी तरह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी वह दिन अवश्य याद आता होगा और याद आना चाहिए कि वही पिछड़े परिवार में जन्म लिए, चाय बेचे, रेलवे के प्लेटफार्म पर रहे, कहीं वो बोरे के जूट के टाट पर सोए होंगे या चाय की दुकान में बेंच पर सोए होंगे, गरीबी को देखा होगा, निर्धनता को देखा होगा। बहुत बड़ी अभिलाषा उनके मन में आई है और उनकी अभिलाषा ये है कि भारत के गद्दी पर ऐसा निर्धन, निर्बल, उपेक्षित और पिछड़ा परिवार का बेटा प्रधानमंत्री बन के बैठा है, कहीं न कहीं मेरे लिए उनके दिल में दर्द जरूर होगा और इसका एहसास जरूर होगा। मैं इस सदन में करोड़ों उन गरीबों, निर्धन, निर्बल, असहाय, वंचित, उपेक्षित जो भी है समाज के अंदर, दरिद्र, दिल्ली के फुटपाथ पर सोने वाले, उसी फुटपाथ पर जन्म लेता है, उसी फुटपाथ पर खेलता है, उसी फुटपाथ पर जवानी आती है, उसी फुटपाथ पर दूसरे कबीले के साथ शादी होती है, उसी फुटपाथ पर उसके सुहाग रात मनते हैं और उसी फुटपाथ पर फिर बच्चे पैदा होते हैं और वो बच्चे, फुटपाथ पर कुत्ते के बच्चे और इंसान के बच्चे एक साथ ही हिंदुस्तान के अंदर निराश, निराश्रित, हताश ऐसे करोड़ों लोगों के मन में आशा का जो संचार जगा है और जिसको जगाते रहे हैं, गांधी ने जगाया, लोहिया ने जगाया, पंडित दीनदयाल जी ने जगाया, जयप्रकाश नारायण जी ने जगाया, आचार्य नरेंद्र देव ने जगाया, ऐसे जो लोग भी आए या जो साम्यवादी आंदोलन में लगे हुए लोग हों, उनके हम साम्यवाद के विचारधारा के विरोधी रहे हैं, सहमत नहीं है, लेकिन गरीबों के निर्धन, निर्बल को जगाने में उन्होंने भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में सहयोग दिया है। तो ये सब मिलके उस देश के लोगों को जगाते रहे, ये कहते रहे आएगा जी आएगा, नया जमाना आएगा, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। ये कब आएगा? श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर उस वह भारत नहीं बनेगा, वो नया जमाना नहीं आएगा तो लाएगा कौन? अगर नहीं आएगा नया जमाना तो हिंदुस्तान के करोड़ों पीड़ित, उपेक्षित, दरिद्र, निर्धन, निर्धन है जिनके पेट की आग की ज्वाला धधकती रहती है और जिनको देखते हुए, इस गरीब को देखते हुए कविवर दिनकर ने कहा था, कुत्ते को मिलते दूध भात भूखे बच्चे ये कुलाते हैं, मां की हड्डी से चिपक छिठुर जारे की रात गमाते हैं। ये जो हिंदुस्तान उन्होंने देखा था, एक वह हिंदुस्तान है जो मेरे ही कोठी के सर्वेंट क्वार्टर में काम करने वाली है, उनके बच्चे हैं, उस बच्चे को दूध मिल सके, पाव भर दूध मिल सके, जिससे दूध से भरपूर
उसके सामने समस्या है कि उसके बच्चे को एक गिलास दूध कैसे मिलेगा। एक हिंदुस्तान है जिसके सामने यह समस्या है कि उसके बच्चे को विदेश से आयात ब्रेड, दूध, मीट कैसे मिला करेगा। बड़े लोगों के घर में जो कुत्ते हैं, आज हिंदुस्तान के हम करोड़ों गांव वाले लोग हैं, उन बड़े लोगों के कुत्ते से भी हमारी जिंदगी बदतर है। मैं 77 में पहली बार जब जीत के आया, गांव से आया था, 3 बार मेले पटना में रहा, लेकिन कभी दिल्ली को नहीं देखा था। सोचा कि दिल्ली को जरा देखे, पैदल निकल जाता था। एक दिन मैं पैदल चलते चलते, क्योंकि बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिका को देखने में आनंद आता था कि इतना बड़ा बड़ा मकान बना कैसे, कभी गांव में तो देखा नहीं था। वो ये बोट क्लब में जा रहा था, सड़क के किनारे एक लंबी गाड़ी जा रही थी, न जाने क्या लाख की होगी। उस पर एक मेम साहब बैठी थी, उनके बगल में कुत्ता बैठा था। वो दरवाजे के अंदर से अपनी गर्दन निकाल के जी लपलपा लपलपा के चल रहा था। मैं उसको देख करके छिठक गया। मैं सोचा कि कुत्ता भी कुछ कह रहा होगा। फिर मेरे अंदर से अपने गांव की गरीबी की वेदना आई, तो हमने कहा, ए कुत्ता, जी लपलपा के मुझे ही कह रहा है, धिक्कार है तेरी जिंदगी, तू इंसान होके ऐसी जिंदगी जी रहा है, देख हिंदुस्तान में मैं कुत्ता होके भी तुमसे कितने स्वर्ग की जिंदगी जी रहा हूं। मैं कुत्ता स्वर्गपुरी में हूं, तुम इंसान होकर के नरक की जिंदगी जी रहा है। ये दो हिंदुस्तान है। ये दो हिंदुस्तान का फर्क मिटेगा कब? निशिकांत दुबे जी ने जो प्रस्ताव बिल में संसद में विधेयक पेश किया है, छोटा सा है। आप कह रहे हैं कौन है असंगठित? डॉक्टर लोहिया जाति प्रथा किताब लिखते हुए उन्होंने लिखा है कि जब जाति गतिशील रहती है तब उसे वर्ग बनता है। जाति जब गतिशील रहती है तो उससे वर्ग बनता है, और वर्ग जब गतिहीन होकर स्थिर हो जाता है तो वो जाति बन जाती है। भारत की जाति प्रथा पैसे पर आधारित है। वो जन्म पर उसको जबरदस्ती बांध दिया है हमको साहब, कि हम अगर अहीर के घर में जन्म लिए हैं तो हमारे पूर्वज अहीर थे और हम भी अहीर होंगे। अब मेरा बेटा चाहे आईएएस आईपीएस हो जाए, मेरा पोता, वो भी जन्म आईएएस आईपीएस बनेगा, लेकिन अहीर का अहीर रहेगा, दलित का दलित ही रहेगा। ये भारत नहीं था। भारत में पहले रूपांतरण होता था। अगर विद्वता आई तो वाल्मीकि भी, एक दलित के घर में जन्म लेने वाले वाल्मीकि भी अपनी योग्यता क्षमता के कारण ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके ब्राह्मण के जैसे पूजे गए। जब तक भारत में योग्यता क्षमता दक्षता के आधार पर जातियों का परिवर्तन होता रहता था, उनके ऊपर प्रोन्नति होती रहती थी, तब तक भारत बलवान था, भारत का स्वर्णिम काल था। जब से जाति के जन्म के कटघरे में कैद कर दिया गया कि तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी दक्षता, तुम्हारी विद्वता, अनुभव किसी कीमत की नहीं है, इसलिए कि तुम एक अमुक जाति में जन्म लिए हो, इसलिए तुम्हारी योग्यता क्षमता दक्षता की कोई कीमत हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस घर में कोई विद्वान पैदा हो ही नहीं सकता है, ज्ञानी पैदा हो ही नहीं सकता है। नहीं तो भारत का वाङ्मय कहता है कि ज्ञान के भंडार पैदा लेने वाले कबीर उसी निर्धन निर्बल पिछड़े समाज में पैदा लिए थे, संत रविदास उसी दलित समाज में पैदा लिए हुए थे, चाहे वह गुरु रामदास, समर्थ गुरु रामदास हो, चाहे वह तुकाराम हो, चाहे वह ज्ञानदेव हो, ये सभी कमजोर निर्धन घर में पैदा लिए थे। कोई हाई स्कूल, कॉलेज और पीएचडी, आईआईटी, आईआईएम से डिग्री लेके नहीं आए थे, लेकिन आज उनकी वाणी शाश्वत है, सनातन है और ज्ञान का भंडार है। इसलिए मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, जातियों के पेशे के आधार पर, लोहा का काम करने वाला लोहार होगा, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई होगा, मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार होगा, चमड़े का काम करने वाला चमार होगा, मूसा मारने वाला जंगल में मूसहर होगा, तेल पेरने वाला तेली होगा, सरसों बेचने वाला बनिया होगा, सरसों पैदा करने वाला किसान अहीर गहीर गुजर जाट होगा। अब इतने जो अलग अलग ढंग से सूक्ष्म रूप से
विभाजन किया गया, जिसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन। किसी समय वो समाज के हित में श्रम का विभाजन किया गया था, लेकिन धीरे धीरे वो श्रम के आधार पर ही, उस पेशे के आधार पर ही जातियों, जाति और योनि के कटघरे में समाज को कैद कर दिया गया। और जो समाज का सबसे श्रमिक वर्ग हुआ, पसीना बहाने वाला हुआ, जिसके लिए आज निशिकांत दुबे ये विधेयक लाए, वही उपेक्षित रहा, उपहासित रहा, पीड़ित रहा, प्रताड़ित रहा। इसका मतलब है पसीना बहाने वाला इस भारत में रोते रहा है और पैसा वाला इस देश में मौज उड़ाते रहा है। पैसे की हिंदुस्तान में कोई कमी है क्या? एक तरफ है पैसा वाला, एक तरफ है पसीना वाला। मैं माननीय नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी कोई व्यवस्था लाइए, कानून बनाइए, संविधान में संशोधन करना पड़े तो करिए। जहां पसीना है वहां पैसा को पहुंचाना है। जिस दिन पसीना के हाथ आसपास में पैसा पहुंच जाएगा, उस दिन भारत का वह स्वर्णिम युग होगा। उसी दिन भारत विश्व का सबसे महान राष्ट्र होगा। कब? जब पसीना वाले के पास में पैसा जाएगा तब। और जहां पैसा है वहां शरीर में पसीना नहीं है, जाड़ा में गर्म, गर्मी में ठंडा, कहते हैं एयर कंडीशन, उसका नाम लिखा रहता है वातानुकूलित। मैं कहता हूं ये वाता प्रतिकूलित, अनुकूलित कहूंगा। भीतर में, भीतर में ठंडा, बाहर में गर्म। वो अनुकूल होता तब जब बाहर में गर्म तो भीतर भी गर्म। तो प्रतिकूल को कहते हैं अनुकूल है, वातानुकूल है नहीं। तो एक तरफ वह हिंदुस्तान, एक तरफ यह हिंदुस्तान। आखिर ये पेंशन क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है? केवल वह असंगठित मजदूर क्यों? इसमें किसान जो है, सभापति महोदय 64.77% सीमांत किसान है। ये नए 2010-11 के सेंसस के अनुसार, और ये 91 में इनकी संख्या थी 59.4%, जो 2009-10 में हो गया 64.77%। क्यों? बढ़ते जा रहे हैं वो मार्जिनल फार्मर्स, जिसको कहते हैं सीमांत किसान। किसान के परिवार की जमीन बढ़ती है। बाप है, मेरे पिताजी के पास में 125 एकड़ जमीन, लेकिन मेरे घर में आज मेरे सगे भाई, उनके पोता के हिस्से में है 5 एकड़ जमीन। कैसे हो गया साहब? 100 एकड़ जमीन जोतने वाला किसान का पोता 2.5 एकड़ जमीन का मालिक हो गया। और सन 1947-48 जब देश आजाद हुआ, बिरला की कुल संपत्ति 45 करोड़, और आज NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, 5 साल पहले 8 साल पहले एक आंकड़ा उसका पढ़ा था कि हिंदुस्तान के 20% नीचे से गरीबों की कुल जायदाद, कुल संपत्ति तराजू के एक पल्ले पर, और बिरला की जायदाद तराजू के दूसरे पल्ले पर, तभी बिरला का पल्ला भारी है। अर्थात 20% नीचे के जो गरीब निर्धन है उसे अकेला बिरला भारी है, ज्यादा उनके पास में परिसंपत्ति है। 20 करोड़ आदमी, 20% आदमी नीचे से अपनी सारी जायदाद एक तरफ रखते तभी बराबर नहीं होगा। इस हिंदुस्तान, इस ऐसा हिंदुस्तान बनाया गया, और उसमें जो नीचे के लोग हैं किसान, लघु किसान, पहले 18.8 थे जो 18.52 हो गए। गांव में रहने वाले 1951 में 82.7 थे जो 2001 में 72.2 हो गए। कहां चले गए? गांव छोड़ के भाग गए, शहर में आ गए। रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, मोटियागिरी का काम करने वाला, गिट्टी तोड़ने वाला, पत्थर ढोने वाला, फुटपाथ पर सोने वाला, जूठा पत्तल चाटने वाला, कुत्ते की जिंदगी जीने वाला अगर कोई है तो किसान का बेटा है, जो निर्जन जमीन बढ़ते बढ़ते जब भूमिहीन हो गया, हाथ में काम नहीं रहा, तो शहर में आकर के इस तरह की जिंदगी जी रहा है, कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहा है। उसको पेंशन नहीं मिले सरकार, जिनके हाथ में, हमारे मिथिलांचल में मैथिली में कहावत है, जिसके हाथ में डोई वही है सब कोई। जिसको अपने परसने के लिए मिला है, और कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी संगठित हैं, चाहे जो मजबूरी हो, मेरी मांगे पूरी हो,
तो उनकी मांगे पूरी हो जाती है। किसान रोते रोते मर जाएगा, उसके कहते कहते रह जाएगा मेरी मांगे पूरी हो, तो किसान की मांग को सुनने वाला कौन है? कोई नहीं सुनने वाला है साहब। हाँ, अब एक आशा जीवन में आशा के संचार आए हैं कि उसकी जिंदगी में अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा, ये आइए अंतिम में मैं आपके सामने कहना चाहूंगा, पंडित डॉक्टर लोहिया ने कहा समता समाज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा समरस समाज, दोनों एक है। गांधी ने कहा दरिद्र लड़ाई, सब एक ही है, कहने के लिए शब्द अलग है। समता समरसता, समाज में समरसता आएगी कब? समता आएगी तब। समाज सभापति महोदय, आप ही किसान, मैं किसान, समरस होते हैं हमारे फसल में, समरस पूरे खेत की फसल में बराबर से पानी हो और नमी जाए, तब जबकि जमीन हो समतल। समाप्त करें मान्य, समाप्त करें, कर रहे, जब हो जमीन समतल, जब समतल होंगे तभी समरस होगा। और ये समतल बनेगा कब? जब ऊंचे से नीचे आएंगे, नीचे वाले ऊपर उठेंगे। इसलिए डॉक्टर लोहिया ने कहा था समाजवाद का यही तकाजा, 100 से कम न 1000 से ज्यादा, न्यूनतम और अधिकतम सीमा लगाई जाए, केवल पेंशन से नहीं, समाज बदलेगा तब जब ऊपर वाले और नीचे वाले की आय की सीमा निर्धारित हो जाए। ऊपर वाले अगर 15 रहेंगे तो नीचे वाले एक रहेगा। आज ऊपर वाले की कोई सीमा नहीं है, नीचे वाले की सीमा है। कमाने वाले पर आय कर लगता है और फूकने वाले पर कोई कर नहीं लगता है। इसलिए खर्चे पर भी सीमा लगाओ, पैसा जुटेगा। और इस सबसे पैसा ला करके हिंदुस्तान के जो किसान है, असंगठित मजदूर नहीं, खेतिहर मजदूर, किसान मजदूर भी है, किसान किसान भी है। जब अपनी खेत में काम करे तो किसान, आ समय बच जाए तो दूसरे के खेत में मजदूरी करने जाए तो मजदूर। ये खेतिहर मजदूर भी है और किसान भी है। इसलिए मेरी मांग है 5000 नहीं साहब, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी कर्मचारी है। चौधरी चरण सिंह जी ने अपने प्रस्ताव में दिया था, मैं संसद में कई बार बोला हूं, फिर आज कर रहा हूं, हिंदुस्तान के जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, सबसे नीचे हैं, उनको जितना पेंशन मिलता है 60 वर्ष आयु पार करने के बाद, हिंदुस्तान के हर किसान और खेतिहर मजदूर को उतने पेंशन की गारंटी कर दिया जाए, क्योंकि वह जीवन भर सड़ता है, गलता है, धूप में तपता है, बरसात में गलता है, जाड़ा में ठिठुरता है, नया हिंदुस्तान बनाता है और अंत रात में काम करने के बाद सो जाता है। मैं उस पंक्ति को कह के वाणी समाप्त करूंगा, धूप ताप में मेहनत करते बच्चे तरप तरप कर मरते, फिर भी पेट नहीं है भरता, जीवन कटता रो रो कर, हम चलो बसाए नया नगर, हम चलो बसाए नया नगर, जहां न हो बे छोट बराई, गले मिले सब भाई भाई, ऊंच नीच का भेद न हो बे, सुख का हो बे डगर डगर, हम चलो बसाए नया नगर, हम चलो बसाए नया नगर। यही गाते रहे, लड़ते रहे जीवन भर, आज भी लड़ रहे हैं। और शायद इस लड़ाई के अंतिम पड़ाव डॉक्टर लोहिया ने कहा था, उस वाणी को कह के विराम करूंगा कि हुकुम चंद, घबराना मत, धीरज के साथ आगे बढ़ते जाना, लड़ते जाना। एक न एक दिन आएगा जब हिंदुस्तान के निर्धन निर्बल वर्ग से कोई पिछड़ा का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, वह सपना साकार होगा। तुम बढ़ते जाना, हम उस आशा के साथ बढ़ते आए हैं, आज वह सपना साकार हुआ है, लोहिया का सपना साकार हुआ है। नरेंद्र मोदी जी से आशा है कि आप उस भारत का निर्माण कर दीजिए, चाणक्य बनिए, नए भारत का निर्माण करिए, स्वर्णिम जी को लाइए, विश्व में विजय पताका फहराइए। ये निशिकांत दुबे जी का प्रस्ताव छोटा प्रस्ताव है, हमको इससे भी आगे जाना है और एक नई रेखा बना के नई दुनिया का निर्माण करना है। इसी के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।